दोस्तों द ट्रैवल इंडिया आज आपको लेके आया है तिल्दा के श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर। ये है लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिल्दा में स्थित है। दोस्तों ये तिल्दा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे तिल्दा ही नगर में स्थित है। दोस्तों ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों मंदिर के ऊपर जाने के लिए दोनों ओर ही सीढ़ी बनी हुई है, एक प्रवेश वाली सीढ़ी है और एक निकास वाली सीढ़ी है। अभी खाली समय है तो हम इस ओर से हम ऊपर जाएंगे और ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऊपर ही है वेंकटेश स्वामी का मंदिर। दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर का मीनार कितना ऊंचा है। जो आपको बीच वाला मीनार दिख रहा है वो नारायण भगवान वेंकटेश स्वामी का मंदिर का मीनार है। दोस्तों मैं आपको मंदिर के खुलने के समय बता देता हूँ, यह मंदिर 5:30 को ही खुल जाता है शाम को। यह मंदिर दिन भर बंद रहता है, 5:30 शाम को ही यह मंदिर खुलता है, इसलिए आप जब भी आएंगे तो शाम को आना है। दोस्तों ये है तिल्दा के वेंकटेश स्वामी का मंदिर की प्रतिमा, वेंकटेश स्वामी जी की प्रतिमा आप अच्छे से देख सकते हैं। और अगल बगल में जो द्वारपाल हैं वो जय और विजय हैं। जो आपको अगल बगल में जो द्वारपाल दिख रहे हैं, जो नारायण भगवान के द्वारपाल रहते हैं, जय और विजय, वही दोनों हैं यहाँ पे। दोस्तों मंदिर के दोनों साइड ही देवियों की प्रतिमा है, इस साइड माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, पद्मावती माता लक्ष्मी की। और इस ओर गोदाम्बा जी की प्रतिमा है, आप अच्छे से देख सकते हैं गोदाम्बा जी की प्रतिमा। दोस्तों मंदिर के बाहर 4 छोटे छोटे मंदिर बने हैं, उसमें भगवान नारायण की 10 अवतार की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये है राम भगवान और सीता मैया और लक्ष्मण जी। और इस छोटे वाले मंदिर में राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं रखी गई है। ये जो आपको स्तंभ दिख रहा है, ये ऐसा स्तंभ आपको वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में जरूर दिखेगा, ये वहाँ पे जरूर होता है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रतिमा है पक्षियों के राजा पक्षीराज जी की। दोस्तों ये स्तंभ बहुत ही सुंदर है, इस स्तंभ को यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भक्तों के रोगों को दूर करने के लिए और बहुत सारे धार्मिक प्रमाण हैं।
और इस तीसरी वाली छोटी सी मंदिर पे भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा रखी गई है। दोस्तों वेंकटेश स्वामी के इस मंदिर पे बहुत सारे स्तंभों में बहुत सारी कलाकृति की गई है, बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति की है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर कलाकृति है। आप यहाँ आइएगा और घूमिएगा, बहुत ही सुंदर है, और वेंकटेश स्वामी का दर्शन कीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जगह आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों यहाँ आपके घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ आइए आप घूमिए।